बेंगलुरु में पुलिस ने पहचान छिपाकर रह रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध राशिद अली सिद्दीकी, उसकी पत्नी आयशा और उसके पिता हनीफ मोहम्मद और मां रूबीना राजापुर गांव में शर्मा परिवार बनकर रह रही थी। उन्होंने अपना नाम शंकर शर्मा, आशा रानी, राम बाबू शर्मा और रानी शर्मा रखा हुआ था। पुलिस ने चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया था। उनके पकड़े जाने के बाद में इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मिली जानकारी के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ढाका से चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे पाकिस्तानी लोगों को इमिग्रेशन अधिकारियों ने फर्जी पासपोर्ट के साथ में पकड़ा था। जांच में पता चला कि वे सिद्दीकी से संबंधित थे। रविवार को सिद्दीकी और उसका पूरा परिवार अपना सामान पैक कर रहा था। उसी समय पुलिस की एक टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। पूछताछ करने के बाद सिद्दीकी ने अपनी शर्मा नाम की पहचान बताई और बताया कि वह साल 2018 से बेंगलुरु में रह रहा है। इतना ही नहीं, उसने परिवार के भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड भी दिखाए जिसमें सभी के नाम हिंदू थे। पुलिस उस समय दंग रह गई जब वह घर में घुसी तो दीवार पर मेहंदी फाउंडेशन इंटरनेशनल जश्न यूनुस लिखा हुआ था। पुलिस टीम को इस्लामिक मौलवियों की कुछ फोटो भी मिली। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो सिद्दीकी उर्फ शंकर शर्मा ने बताया कि वे पाकिस्तान के कराची के लियाकताबाद से हैं, जबकि उनकी पत्नी और उनका परिवार लाहौर से है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2011 में एक ऑनलाइन समारोह में आयशा से शादी की थी। वे अपने माता पिता के साथ बांग्लादेश में थी। हालांकि अपने देश में धार्मिक नेताओं को सताए जाने के बाद उन्हें पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। FIR के मुताबिक वे बांग्लादेश चले गए और यहाँ पर एक उपदेशक के तौर पर काम करने लगे और मेहंदी फाउंडेशन ने इस बीच उनके खर्चों को उठाया। लेकिन 2014 में सिद्दीकी पर बांग्लादेश में फिर से हमला हुआ और उसने भारत में मेहंदी फाउंडेशन के परवेज नाम के शख्स से कॉन्टेक्ट किया। सिद्दीकी अपनी पत्नी, सास ससुर और रिश्तेदारों के साथ मालदा के रास्ते बांग्लादेश से भारत आए और यहां आकर उन्होंने शर्मा नाम से फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। यहां रहकर वे मेहंदी फाउंडेशन की तरफ से प्रचार करते थे। पुलिस ने फिलहाल IPC की धारा 420, 468 और 471 के तहत केस दर्ज कर लिया है। क्या है मेहंदी फाउंडेशन? मेहंदी फाउंडेशन इंटरनेशनल यूनुस अल गौहर के विचारों को बढ़ावा देता है। उन्हें आध्यात्मिक गुरु और सूफीवाद का कट्टर प्रचारक माना जाता है। यह संगठन सूफीवाद को बढ़ावा देकर मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में भी लगा हुआ है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।